Now it's recording as well. ठीक है जी, recording भी होगी. Okay, so मैं ये बता रहा था कि हेनरी मिंट्सबर्ग का जो मॉडल है that is also discussed in the first chapter. ठीक है, ये पहले चैप्टर में भी डिस्कस हुआ है. और बेसिकली जो हेनरी मिंट्सबर्ग के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है, ये एक कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, वर्क प्रोसेसेस को कोऑर्डिनेट करता है, सो दैट द प्लान्स कैन बी इंप्लीमेंटेड इनटू एक्शन. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेरी करता है बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोसेसेस. हमने बात पहले भी की थी, इफ यू रिमेंबर, जब हम ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे टॉल नैरो वर्सेज वाइड स्प्रेड के दरमियान, और इसी तरह इंटरनल एक्सटर्नल रिलेशनशिप के दरमियान. इट डिपेंड्स कि आप किस किस्म की एक्टिविटीज में एंगेज हैं, इट डिपेंड्स कि आप किस किस्म का काम कर रहे हैं, इट डिपेंड्स कि आपका जो इदारा है वो किस तरह के प्रोसेसेस चला रहा है. उस पर डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म का स्ट्रक्चर मैनेज करेगी. बट वट एवर स्ट्रक्चर यू आर इंटरेस्टेड इन, जो भी आप स्ट्रक्चर मैनेज करें, उसके ये पांच बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. स्ट्रेटेजिक एपेक्स, एपेक्स कहते हैं चोटी को, पिनिकल को, हाइट को. मिडल लाइन, मिडल लाइन मिडल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग कोर. ये अगर आप वो पिरामिड याद करें, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड फ्रंट लाइन एंड लोअर मैनेजमेंट, तो ये वही पिरामिड है, दैट इज द सेम पिरामिड. ये तीनों वही लेवल है. यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट है, यहाँ पे मिडल मैनेजमेंट है, और यहाँ पे फ्रंट लाइन मैनेजमेंट और नॉन मैनेजमेंट है. दोनों एक ही लेवल पे आ जाते हैं, ऑपरेटिंग कोर आ जाता है. ठीक है, मतलब फ्रंट लाइन मैनेजमेंट मिडल लाइन में आती है, ऑपरेटिंग कोर आर नॉन मैनेजर्स, ये नॉन मैनेजर्स हैं. फ्रंट लाइन मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ मिडल लाइन, ऑपरेटिंग कोर जो है ये आपके नॉन मैनेजर्स हैं. दिस इज द मेन स्ट्रीम चेन ऑफ कमांड, इसे कहते हैं मेन स्ट्रीम चेन ऑफ कमांड. इसको सपोर्ट करने के लिए एक होता है टेक्नो स्ट्रक्चर. टेक्नो स्ट्रक्चर वो एलिमेंट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, जो प्रोसीजर्स बनाते हैं. अच्छा, इस डायग्राम की प्रेजेंटेशन भी अगर आप गौर फरमाएं तो बड़ी इंटरेस्टिंग है. आप देखें कि स्ट्रेटेजिक एपेक्स एक अम्ब्रेला का रोल प्ले कर रहा है, इवन दो टेक्नो स्ट्रक्चर और सपोर्ट स्टाफ डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड में नहीं आ रहे, दे आर नॉट अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ चेन ऑफ कमांड, बट स्टिल ये जो एक थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन है एपेक्स की, ये डिफाइन कर रहा है कि ये इनको लीड यही कर रहे होते हैं. सपोर्ट स्टाफ में आपका क्लेरिकल स्टाफ आ जाता है, आपका कस्टोडियन स्टाफ आ जाता है, आईटी का स्टाफ आ जाता है, इसमें आपके ये सिक्योरिटी आ जाती है, सर आपका सपोर्ट स्टाफ है. सपोर्ट स्टाफ जो है दैट इज ऑल्सो नॉट डायरेक्ट पार्ट ऑफ लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ कमांड. ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था कि हेनरी मिंट्सबर्ग के मॉडल के जो फाइव बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको ब्रीफ करना है. ना ना ना, सपोर्ट स्टाफ ऑपरेटिंग कोर में नहीं आता. सपोर्ट स्टाफ बेसिकली देखें, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की, तो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के जो सीईओज हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो उसके ओनर्स हैं, वो उसका एपेक्स है. फिर जो उसके डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उसके, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सारी मिडल लाइन है. फिर डिपार्टमेंट का ऑपरेटिंग कोर अलग अलग होगा. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो असेंबली लाइन वर्कर्स हैं वो उसका ऑपरेटिंग कोर है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, जो कि बिल्कुल आखिरी लेवल पे काम कर रहे हैं मार्केटिंग में, वो उसका ऑपरेटिंग कोर है. यानी हर डिपार्टमेंट का ऑपरेटिंग कोर अलग अलग होगा. टेक्नो स्ट्रक्चर में पॉलिसी मेकर्स आ जाते हैं, वो एंटिटीज एक इदारे में जो पॉलिसी मेकिंग करती हैं, फॉर एग्जांपल लीव पॉलिसी बना रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज बना रहे हैं, प्रोसीजर्स बना रहे हैं. इसी तरह सपोर्ट स्टाफ है, इसमें सारा क्लरिकल स्टाफ आ जाता है. आपके क्लर्क्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पीएन हैं, इसमें आपके जेनिटोरियल स्टाफ है, सफाई का अमला है, सिक्योरिटी स्टाफ है, सारे का सारा इसमें आया. ठीक है, सो ये क्वेश्चन था पेपर में, स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 मार्क्स का. पांचों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना था प्रिसाइजली इन वन लाइन. ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक एपेक्स इज द टॉप मैनेजमेंट. ऑपरेटिंग कोर रिप्रेजेंट द बेसिक वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो बुनियादी काम है एक इदारे का जो ये लोग करते हैं. मिडल लाइन आपका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रेटेजिक एपेक्स और ऑपरेटिंग कोर के दरमियान में होता है. सपोर्ट स्टाफ में सारा वो स्टाफ आ जाता है आपका जो ऑपरेटिंग कोर को हेल्प करता है, जैसे सेक्रेटेरियल स्टाफ है, क्लीनिंग स्टाफ है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस स्टाफ है, आईटी का स्टाफ है. टेक्नो स्ट्रक्चर में वो स्टाफ होता है जो कि डायरेक्ट लाइन मैनेजमेंट में नहीं आता. एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टैंडर्डाइज वर्क प्रैक्टिसेस एंड वर्क प्रोसीजर्स. ये सिस्टम मैनुअल्स बनाते हैं, इदारा काम कैसे करेगा, इदारे के ऑपरेशनल मैकेनिज्म्स क्या होंगे. सो दे आर द पीपल हु जनरेट और हु डेवलप द व्हाट यू कैन से
द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, एक इदारे की जो हायरार्की है उसको ये लोग जो है वो डिटरमिन करते हैं, ठीक। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली ये तमाम के तमाम जो फैक्टर्स हैं वो डील होते हैं। जस्ट स्पेयर मी अ मोमेंट, एक मिनट दीजिएगा। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मैं ये कह रहा था कि आपकी जो ऑपरेटिंग कोर जो होता है आपका, ये आपका बेसिक काम करता है एक इदारे के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस में हम डिटरमिन करते हैं दैट द वे द थिंग्स आर अलाइंड एंड बेसिक वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिविजुअल्स कैरी करते हैं, ठीक है। मिडल लाइन, ऑपरेटिंग कोर, सपोर्ट स्टाफ, एपेक्स, ये तमाम चीज़ें मिलती हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। ऑल दीज फैक्टर्स कन्वर्ज टुगेदर सो अ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लीटेड, ठीक है। सो हेनरी विंड्सबर्ग ये कहता है कि इन पांचों पिलर्स में से जो पिलर ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस शो करेगा वो डिटर्मिन करेगा कि एक इदारे का स्ट्रक्चर किस किस्म का है। और अभी हम आगे जाके कन्फिग्रेशन की बात करेंगे। For example, in some organizations, strategic apex can be powerful. In some organization, technostructure can dominate. In some organizations, support staff can dominate. In some organizations, operating core can dominate. यानी ये पांच pillars तो हमने define कर दिए हैं और ये इसके अंदर but the important thing is कि how can ईच ऑफ दीज पिलर्स कैन डोमिनेट, ये पांचों पिलर्स हैं वो डोमिनेट कैसे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हेनरी मिंड्सबर्ग की कन्फिग्रेशन आती हैं। अभी जो ऊपर अभी हमने पॉइंट्स देखे हैं कि कौन कौन सा पिलर कब कब डोमिनेट कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि आपकी कन्फिग्रेशन क्या है। ये एक अलग क्वेश्चन आ चुका है 8 मार्क्स का। इन 6 में से एग्जामिनर ने 4 कन्फिग्रेशन पे क्वेश्चन किया था। Examiner put a very straightforward question on 4 of these configurations. Simple structure nahi tha paper mein, aur uske andar missionary organization nahi thi. बेसिकली कन्फिग्रेशन का मतलब यह होता है कि किस तरह एक इदारा अलाइन करता है अपने आप को डिसीजन मेकिंग के साथ। एक इदारा अपने आप को किस तरह अलाइन करता है डोमिनेटिंग पॉइंट्स के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर एक इदारे में एक इदारा छोटा सा है, टॉप मैनेजमेंट अगर डोमिनेट कर रही है और उस इदारे के अंदर ऑलरेडी वो हम ये कह सकते हैं कि मतलब वन मैन शो है और उसके अंदर आपका जो बिजनेस प्रोसेस है वो बड़ा प्रिसाइजली ड्रिवन है, तो फिर हम कह सकते हैं कि चूंकि टॉप मैनेजमेंट डोमिनेट कर रही है तो ये एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर है। दैट्स एन एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट्स एन एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर। ठीक है ना। और एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रेटेजिक एपेक्स होता है दैट एक्सरसाइजेस डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द ऑपरेटिंग कोर एंड देयर इज नो मिडल लाइन, कोई मिडल लाइन नहीं होती। वो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर से आ रहा है। अगर आप वो हमने जो पहले पढ़ा था ना स्ट्रक्चर, कोई सपोर्ट स्टाफ नहीं होता, कोई टेक्नो स्ट्रक्चर नहीं होता, स्ट्रेटेजिक एपेक्स ओनर होता है कंपनी का, इदारा हाईली फ्लेक्सिबल होता है, रैपिडली चेंजिंग होता है, क्विक चेंजेस होते हैं एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट कर रही होती है। सो दैट इज प्योर एंटरप्रेन्योरियल। जब टॉप मैनेजमेंट जब स्ट्रेटेजिक एपेक्स डोमिनेट करेगा तो इदारे का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होगा। व्हेन स्ट्रेटेजिक एपेक्स विल डोमिनेट तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है दैट वुड बी मच सिंपलर, ठीक है, दैट वुड बी मच सिंपलर।
और जब इदारा जो है वो उसे मतलब जब इदारा ग्रो करता है, जब इदारा बड़ा होता है, तो फिर उसके अंदर डोमिनेटिंग पोजीशन जो है वो आ जाती हैं आपके अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर भी, जो दूसरे जो उसमें फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा ब्यूरोक्रेसी को। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे हेनरी मिंट्स दो किस्म की बयान करता है, एक होती है मशीन ब्यूरोक्रेसी और एक होती है प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। मशीन ब्यूरोक्रेसी ये मैक्स वेबर वाली ब्यूरोक्रेसी है जिसके अंदर टेक्नोस्ट्रक्चर डोमिनेट करता है, टेक्नोस्ट्रक्चर सिस्टम्स और प्रोसीजर्स को लिखता है ना, रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। तो व्हेन एंटिटी इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय ब्यूरोक्रेसी, एम्फेसिस किस चीज पे होता है? कंट्रोल थ्रू रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे कंट्रोल होता है, ठीक है ना। आपका जो ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रैपिडली रिएक्ट नहीं करती एनवायरनमेंट की तरफ। हमने बात पहले भी की थी मिंट्सबर्ग के मॉडल में कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रैपिडली रिएक्ट नहीं करती एनवायरनमेंट को, ठीक है। सो स्ट्रक्चर इज देयरफॉर मोर सूटेबल फॉर द एंटिटीज वर्किंग इन अ स्टेबल एनवायरनमेंट। ये स्ट्रक्चर उन इदारों को सूट करता है जिनकी एनवायरनमेंट स्टेबल होती है, जो रैपिडली चेंज नहीं हो रहे होते। अच्छा, एक होती है प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। बहुत सारे इदारे ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ऑपरेटिंग कोर होता है, ठीक है। बहुत सारे इदारे ऐसे होते हैं जो कि डोमिनेट करते हैं, जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग कोर, जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस सेक्टर में होता है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं, तो डॉक्टर्स डोमिनेट करते हैं इदारे को, सर्जन डोमिनेट करते हैं इदारे को, ठीक है। इसी तरह एक सॉफ्टवेयर फर्म में प्रोग्राम, आप देखें सारी एग्जाम्पल्स हैं वो सर्विस सेक्टर की हैं, टीचर्स एक यूनिवर्सिटी में या एक स्कूल में। तो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी उस इदारे को कहते हैं जहाँ पे ऑपरेटिंग कोर के पास ड्राइविंग सीट होती है, वेयर द ड्राइविंग सीट इज हेल्ड बाय द ऑपरेटिंग कोर। मिंट्सबर्ग कहता है ये वो स्ट्रक्चर है जो नॉर्मली हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस में पाया जाता है, ठीक है। दैट कैन एग्जिस्ट इन हाईली स्किल्ड प्रोफेशनली ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। लॉयर्स, ये देखें सारी सर्विस सेक्टर की एग्जाम्पल है, देख रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर, प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर, ठीक है। अकाउंटेंट्स जो है वो आपके लॉ फर्म्स के और लॉयर प्रोफेशनल फर्म्स के अंदर। सो जब ड्राइविंग सीट आ जाएगी आपके ऑपरेटिंग कोर के पास, तो फिर आपका जो बिजनेस मॉडल है दैट वुड बी प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, ड्राइविंग सीट आ जाती है जब मिडल लाइन के पास डिवीजनल स्ट्रक्चर में, डिवीजनल मैनेजर्स को आप ऑटोनोमस कर देते हैं ना, उनको आप अथॉरिटी दे देते हैं, डिवीजनल मैनेजर्स डोमिनेट करते हैं, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि डिवीजनल मैनेजर्स को हम डेलीगेशन कर देते हैं, वी डेलीगेट, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती हैं डिसीजन मेकिंग को, तो जब आप मिडल मैनेजर्स को ऑटोनोमसली डिसीजन मेकिंग पावर दे देते हैं और आप उसके अंदर उनको अथॉरिटी दे देते हैं, तो इट मींस कि आपने मिडल लाइंस जो हैं वो डिफाइन कर दी हैं, ठीक है। यू हैव डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द मिडल लाइन, आपने मिडल लाइन को जिम्मेदारी सौंप दी है और वो मिडल लाइन जो है वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले। तो जब डिवीजनल मैनेजर को आप पावरफुल कर देते हैं, तो इट मीन्स कि अब आपने स्ट्रेटेजिक एपेक्स की डिसीजन मेकिंग पावर को इन्फ्लुएंस कर दिया, ठीक है। आपने स्ट्रेटेजिक एपेक्स की जो पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग है उसको आपने अफेक्ट किया। सो दैट इज वेयर ऑर्गेनाइजेशंस कैन प्ले अ पिवोटल रोल एन इंपॉर्टेंट रोल बाय। तो अब यहाँ पे जो ड्राइविंग सीट है वो किसके पास आ गई? डिवीजनल मैनेजर्स के पास आ गई। यहाँ पे जो ड्राइविंग सीट है वो आ गई डिवीजनल मैनेजर्स के पास, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो डिटरमिन करती हैं कि किस तरह से आपने एस्टैब्लिश करना है बिजनेस के मॉडल को इन टर्म्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग द वे यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द बिजनेस मॉडल, ठीक। सो इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मिडल लाइन इज डोमिनेटिंग, लार्ज ग्रुप ऑफ पावरफुल एग्जीक्यूटिव मैनेजर जो होते हैं वो उसको लीड कर रहे होते हैं। इसके बाद एडहॉक्रेसी आ जाती है,
एडवोकेसी के अंदर आपका जो बिजनेस मॉडल है दैट इज वेयर द स्ट्रक्चर इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड डिसऑर्डर्ड, यू मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ टीम वर्क एंड प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर. ये आप यहाँ पे आपकी जो सपोर्ट स्टाफ है दैट माइट बी डोमिनेटिंग अलॉन्ग विद योर ऑपरेटिंग कोर. एडवोकेसी इज सेम एज टीम बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर. हाँ, अब गोरमे की जो ब्रांचेज हैं एग्जैक्टली दैट इज डिविनलाइज्ड. गोरमे की जो ब्रांचेज हैं वो डिविनलाइज्ड हैं, ठीक है. गोरमे की जो ब्रांचेज हैं वो आपकी सारी की सारी डिविनलाइज्ड हैं. तो एडवोकेसी के अंदर सपोर्ट स्टाफ एलिमेंट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपने टीम्स बनानी होती हैं, आपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना होता है और प्रोजेक्ट्स को डेवलप करके आपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बिजनेस को फ्लेक्सिबली लेके चलना होता है बेसिकली, ठीक है. एंड देन एट लास्ट वी हैव मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन. मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन आर मेम्बर्स जिसमें मेम्बर्स होते हैं जो कि कॉमन बिलीफ शेयर करते हैं. हमने कोऑपरेटिव पढ़े थे आपको याद होगा, तो कोऑपरेटिव कैन बी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन. कोऑपरेटिव कैन बी एग्जाम्पल ऑफ मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. कोऑपरेटिव आर गुड एग्जाम्पल ऑफ मिशनरी स्ट्रक्चर एंड मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन. So these are six configurations, और इन configurations को हम इस तरह एक अगर आप इसको sum up करें इस table के अंदर, that's a very interesting table. जी, advocacy कहते हैं बेटा team based and project based structure को, जो कर हमने पढ़ा था ना, disordered structure of team based and project based, team work and project work. वही जैसा हमने discuss किया था कि temporarily आप project teams बना देते हैं and as soon as the task is over you just dissolve the team, फिर कोई नया task आएगा, कोई नई team बनेगी, ठीक है. तो डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर सपोर्ट स्टाफ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ पे जो जो ड्राइविंग सीट है वो ऑलरेडी आपकी यहाँ पे सपोर्ट स्टाफ आ जाती है. ये एक टेबल इसको समराइज कर रहा है चार डायमेंशन के ऊपर. इसमें दो डायमेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक एनवायरमेंट और एक की ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट, ठीक है. Environment and key organizational element. Okay, तो simple structure में environment कौन सी होती है? Simple and dynamic. क्योंकि simple structure, जी मैं अभी example देता हूँ, advocacy की example मैंने example दी थी ना आपको, जैसे एप्पल और गूगल की मिसाल ली थी हमने. दे वर्क ऑन एन एडहॉक स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं. टास्क आते हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं, उन्हें टाइम पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है. तो प्रोजेक्ट बेस्ड और टीम बेस्ड स्ट्रक्चर जो हैं दे आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एडहॉक्रेसी, ठीक है, जिसमें एप्पल और गूगल आ जाते हैं. ओके, सिंपल स्ट्रक्चर की एनवायरमेंट सिंपल एंड डायनामिक होती है. सिंपल से मुराद है कि एनवायरमेंट में कॉम्पोनेंट्स बहुत कम है और डायनामिक मीन रैपिडली चेंजिंग है. स्ट्रेटेजिक एपेक्स डोमिनेट करता है. छोटी एंटिटी होती है, सिंपल टास्क होते हैं, सेम एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर, ठीक है. सेम एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर ये सिंपल स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है. डायरेक्ट कंट्रोल टॉप मैनेजमेंट करती है ऑब्वियसली. मशीन ब्यूरोक्रेसी की एनवायरमेंट क्योंकि ब्यूरोक्रेसी है तो सिंपल एंड स्टैटिक, दैट इज सिंपल एंड स्टैटिक, ठीक है. लार्ज एंड वेल एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़े बड़े इदारे होते हैं जैसे हमने डिस्कस किया था ब्यूरोक्रेसी के अंदर. टेक्नो स्ट्रक्चर डोमिनेट करता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. टेक्नो स्ट्रक्चर जो है वो डोमिनेट करता है और प्रोसीजर्स के ऊपर इदारा चलता है. प्रोसीजर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड. प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी होती है, इसमें एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि सर्विस सेक्टर में प्रोडक्ट्स बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन स्टैटिक. अगेन ये एक चीज़ गौर फरमाएं, चूँकि ब्यूरोक्रेसी का वर्ड आ रहा है
तो ब्यूरोक्रेसी दोनों केसेस में एनवायरनमेंट स्टैटिक ही होगी, डायनामिक नहीं होगी. एनवायरनमेंट विल बी फेयरली स्टैटिक. स्टैटिक से मुराद ये है कि इसमें चेंज का फैक्टर बहुत कम होगा, उसमें चेंज का जो फैक्टर है वो ना होने के बराबर होगा. सिंपल प्रोसेसेस कंट्रोल बाय द प्रोफेशनल्स एज डिस्कस्ड. ऑपरेटिंग कोर डोमिनेट करता है, ड्राइविंग सीट ऑपरेटिंग कोर के पास होती है और इसमें आप स्किल्स को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हैं. यू ट्राई टू स्टैंडर्डाइज द स्किल्स रादर देन स्टैंडर्डाइजिंग द प्रोसीजर्स. ऑपरेटिंग कोर जब डोमिनेट करती है तो स्किल्स को स्टैंडर्डाइज करते हैं हम. वी ट्राई टू स्टैंडर्डाइज द स्किल्स रादर देन स्टैंडर्डाइजिंग द प्रोसीजर्स. एंड देन वी हैव डिविजनल स्ट्रक्चर. डिविजनल स्ट्रक्चर में एक इदारा डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे ऑपरेट करता है, एक इदारा डिफरेंट डाइवर्स एक्टिविटीज़ में होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स हैं. लार्ज वेल एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक नेस्ले की मिसाल ली थी हमने. मिडल लाइन डोमिनेट करती है और इसमें आप स्टैंडर्डाइज करते हैं आउटपुट को ना. दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट. स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स करते हैं मशीन ब्यूरोक्रेसी में, स्टैंडर्डाइज स्किल करते हैं प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी में, और स्टैंडर्डाइज आउटपुट को करते हैं डिविजनलाइज फॉर्म के अंदर. ये एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कि जब आप मशीन ब्यूरोक्रेसी में ऑपरेट कर रहे होते हैं तो स्टैंडर्ड्स आप रूल्स को करेंगे, रेगुलेशंस को करेंगे. जब आप ऑपरेट कर रहे होते हैं प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी के अंदर तो आप स्टैंडर्डाइज स्किल्स को करते हैं, और जब आप डिवीजंस में ऑपरेट कर रहे हैं तो स्टैंडर्डाइज आप करते हैं आउटपुट्स को. एडोक्रेसी कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक, ये आजकल की एनवायरनमेंट है. दैट इज वेयर टुडेज एनवायरनमेंट फॉल्स. इसीलिए आजकल इदारे एडहॉक स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं. आजकल इदारों के लिए बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर टू अडॉप्ट इज एडहॉक स्ट्रक्चर. कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, यंग एंटिटी होती है. सपोर्ट स्टाफ ने चूंकि टीम मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है तो सपोर्ट स्टाफ यहाँ पे जरा क्रिटिकल रोल प्ले करता है, और साथ साथ ऑपरेटिंग कोर भी यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा होता है. फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अडेप्टेशन होती है स्ट्रक्चर के अंदर. द स्ट्रक्चर इज अडेप्टेबल, ठीक है. मिशनरी स्ट्रक्चर अगेन सिंपल एंड स्टैटिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है, लाइक एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर. सिंपल सिस्टम्स होते हैं, फेयरली वेल एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं. ऑपरेटिंग यहाँ पे ड्राइविंग सीट किसी के पास नहीं होती, और स्टैंडर्ड वैल्यू और बिलीफ सिस्टम पे आप डेवलप होते हैं. मतलब मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जांपल में कोऑपरेटिव्स आ जाते हैं. इसकी और अगर आपने कोई एग्जांपल देखनी है तो जिसमें ये हमारी तबलीगी जमातें होती हैं, फॉर एग्जांपल दे आर ऑल्सो मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना. तबलीगी जमातें जो हैं ये भी मिशनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं. मिशनरी स्ट्रक्चर्स के अंदर आपके जो सिस्टम्स हैं वो फेयरली एस्टैब्लिश्ड हैं, सिंपल स्टैटिक एनवायरनमेंट है, स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम्स हैं, इसके ऊपर आप ऑपरेट करते हैं. दैट इज हाउ वी ऑपरेट. सो ऑर्गेनाइजेशंस हैव एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन टू मेक कि वो किस किस्म के एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो की डिसीजन मेकिंग पॉइंट है वो एनवायरनमेंट है नंबर वन, और वो की एलिमेंट है, और इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कैसे कन्फिगर करना है. अगर आपके एनवायरनमेंट सिंपल एंड डायनामिक है तो कन्फिगरेशन यहाँ पे ऐसे होनी चाहिए, और स्ट्रक्चर ये वाला होना चाहिए. तो कन्फिगरेशन ऐसे होती है कि आप पहले एनवायरनमेंट को देखते हैं, फिर उस एनवायरनमेंट के मुताबिक आप देखते हैं कि मोस्ट डोमिनेटिंग एलिमेंट कौन सा है, और उसके मुताबिक आप एक स्ट्रक्चर को ऑप्ट करते हैं. सो वी फर्स्ट लुक एट द एनवायरनमेंट, देन वी लुक एट द ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट, एंड देन वी अलाइन ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट with the type of the structure we are going to adopt. ठीक है, एंड दिस कंक्लूड्स आवर थर्ड चैप्टर. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर हेनरी मिंट्सबर्ग के मुताबिक और बर्न एंड स्टॉकर के मुताबिक कैन बी कंसिडर्ड कि आपका स्ट्रक्चर जो है क्या वो आपके एनवायरनमेंट को सूट करता है कि नहीं करता है. दैट्स इंपॉर्टेंट. जो भी मैंने पॉइंट आपको बताया है कि बर्न एंड स्टॉकर के मुताबिक हम सिर्फ एनवायरनमेंट को देखते हैं, हेनरी मिंट्सबर्ग की कन्फिग्रेशन के मुताबिक एनवायरनमेंट को भी देखते हैं, उसके साथ साथ की ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट को भी देखते हैं. And organizational structure should be designed to enable entity to implement strategy successfully. क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि organizational structure is a component of strategy implementation. तो strategy को successfully implement करने के लिए आपको structure required होता है. Poor performance एक organization की Johnson and Scholes के मुताबिक is a result of an inappropriate configuration or inconsistency between structure, process and relationship. Inappropriate और inconsistency आपके process, structure और relationship की जो inappropriateness है, inconsistency है, that lead to poor organizational performance. इसके जो नतायज हैं बड़े ख़तरनाक होते हैं.
So if you want an organization to perform good, you have to make the structure consistent and you have to align the structure with other organizational elements. आपने दूसरे elements के साथ उसको align करना होता है. Third chapter को अगर हम broadly sum up करें, तो third chapter में हमने total 5 areas पे debate की है. पहला area हमने discuss किया nature and types of organization. दूसरा area हमने discuss किया stakeholders. तीसरा area हमने discuss किया types of organizational structure, formal, informal, span of control. चौथा एरिया हमने डिस्कस किया इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स. इंटरनल रिलेशनशिप्स में हमने डिसीजन मेकिंग की बात की, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन. और एक्सटर्नल रिलेशनशिप में हमने आउटसोर्सिंग, वैल्यू नेटवर्क, वर्चुअल कंपनी, स्ट्रेटेजिक अलायंसेज, ये चार पॉइंट्स डिस्कस किए, जिसमें से हमने दो एक्सप्लेन किए जो कि हम सेकेंड चैप्टर में ऑलरेडी करके आ चुके थे, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की अम्ब्रेला में. And then we discussed most appropriate organizational structure. Most appropriate structure कौन सा होता है इदारे का. So these are some of the important considerations we talked about. We discussed के दो main किस्म के इदारे होते हैं, business and not for profit. और not for profit आगे further दो किस्म के होते हैं, public sector and non-government. इदारे distinguish किस बेस पे करते हैं, चार features होते हैं, इदारे का purpose क्या है, उसकी ownership किसके पास है, funding sources क्या है और accountability कहाँ से आ रही है या किसको आप अकाउंटेबल हो रहे हैं. कोऑपरेटिव्स को डिस्कस किया हमने. कोऑपरेटिव्स आर मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस जिनके मेंबर्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं इदारे की एक्टिविटीज़ के अंदर. कोऑपरेटिव्स की हमने मल्टीपल एग्जांपल्स भी डिस्कस की. शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव्स पे आ सकता है पेपर में, अ क्वेश्चन माइट अपेयर ऑन कोऑपरेटिव. इसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फिर हमने स्टेक होल्डर्स पर बात की, वी टॉक अबाउट स्टेक होल्डर्स. और उसके अंदर वी डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, वी डिफाइंड स्टेक होल्डर्स, इंटरनल स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. एंड देन वी डिस्कस्ड द मेन स्टेक होल्डर्स. मेन स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं, जिसमें हमने फिर कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स को रिव्यू किया. कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो बिजनेसेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट पावर ऑफ स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर पावर कहाँ से आती है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बाद हमने स्टेक होल्डर मैपिंग की, मेंडेलोस पीआई मैट्रिक्स डिस्कस की. तो स्टेक होल्डर का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. Then we jumped on structures, we differentiated. ये सबसे important area है इस chapter का. Formal, informal structure को differentiate किया. Strategy implementation में structure का किरदार क्या है. Types of structures देखी, पांच किस्में देखी structures की, ये पांच types हैं. Span of control को discuss किया और process को discuss किया. इसमें से paper point view से देखा जाए तो structure की types पे सवाल आ चुका है, span of control पे question आ चुका है. That's an important topic. Divisional structure पे अभी तक question नहीं आया. Project based और team based पे अभी तक question नहीं आया. So they are some untested part of this chapter. Otherwise, multiple topics have been covered from this chapter, from this part. फिर हमने बात की organization के relationships के ऊपर. Internal relationships में आपकी decision making lines को define करते हैं, centralization versus decentralization. और external relationships में दो relation discuss किए, outsourcing and virtual organization. Outsourcing and virtual organization. And then yesterday we started most appropriate structure, contingency theory पे बात की. Contingency theory कहती है कि the most effective organizational structure, it depends on the circumstances, हालात पे depend करता है कि best possible structure कौन सा होगा आपके लिए. Appropriate structure को adopt करने के benefits क्या होते हैं, inappropriate structure को ना adopt करने के consequences क्या होते हैं, ये दोनों सवाल paper में आ चुके हैं. Both questions have appeared in the examination. बर्न एंड स्टॉकर में से मैकेनिस्टिक के फीचर से क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, सेलियंट फीचर्स ऑफ मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन. और हेनरी मिंट्सबर्ग के मॉडल में से भी दोनों क्वेश्चंस पेपर में पेयर हो चुके हैं. हेनरी मिंट्सबर्ग के मुताबिक जो आपकी ये मॉडल है आपका, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं आपकी वो, और उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है, बोथ ऑफ देम,
सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर. इंशाल्लाह कल इस चैप्टर के हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर के टेस्ट की डिवीजन, इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. लेट्स डिवाइड दिस चैप्टर इन टू पार्ट्स. पहले तीन एरियाज एक कर लेते हैं और अगले दो एरियाज एक टेस्ट में कर लेते हैं. ठीक है जी, पहले तीन एरियाज जो हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं हेयर. ठीक है, लाइक टाइप्स, स्टेक होल्डर एंड स्ट्रक्चर. ये एक टेस्ट में आ जाएगा और ये दूसरे टेस्ट में आ जाएगा. ठीक है, इज इट फाइन? चलें, ग्रेट. अच्छा, नेक्स्ट वीक में हमारी जो क्लासेस का स्केड्यूल है वो थोड़ा सा आगे एक्सटेंड होगा. एक्चुअली मेरी एक कॉन्फ्रेंस है अमेरिका, मैंने अमेरिका फ्लाई करना है नेक्स्ट मंडे इवनिंग को, और मेरी वापसी है नेक्स्ट मंडे. थैंक यू सो मच जी. तो लाइक माय कॉन्फ्रेंस इज स्केड्यूल्ड फ्रॉम 16th to 19th. 16 नवंबर से 19 नवंबर तक मेरी कॉन्फ्रेंस है. मैंने ट्यूजडे को फ्लाई करना है और वापसी मेरी होगी 21st को. तो अभी तक जो हमारा स्केड्यूल रहा है क्लासेस का, उसमें पहले तो ये था कि पूरा वीक आपका ऑफ होना था ना, योर होल वीक वॉज स्केड्यूल टू बी ऑफ. लेकिन अब इन्होंने, चूँकि पहले वो 4 दिन का इशू आ गया, लेकिन सर आपके साथ तो वो हमारी एक आधी क्लासें मिस हुई थी, बट स्टिल यू आर बींग गिवन ओनली 3 डेज ऑफ. थैंक यू वेरी मच. तो आपको 3 दिन ऑफ मिल रहे हैं. ठीक है ना, ये मेरी पीएचडी की कॉन्फ्रेंस है. एक्चुअली इट इज़ अबाउट ऑपरेशंस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन के ऊपर है. और आई सबमिटेड अ पेपर, अ रिसर्च पेपर टू दैट कॉन्फ्रेंस. इट गॉट एक्सेप्टेड अल्हम्दुलिल्लाह. देन आई अप्लाइड फॉर फंडिंग, फिर एचईसी ने मुझे फंड भी कर दिया. तो आई एम जस्ट नाउ ट्रैवलिंग. पास्ट पेपर्स कल करेंगे इस चैप्टर के. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. इस चैप्टर के हम पास्ट पेपर्स बेटा कल करेंगे. ठीक है, वी विल डू पास्ट पेपर्स टुमारो. सो हम 21st को रिज्यूम करेंगे. अच्छा, वहाँ जाके चूँकि टाइमिंग डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है वहाँ पे, तो आपके यहाँ 2:30 बजे होंगे, तो वहाँ पे रात को 3 बजे होंगे. तो इन केस अगर मैं जेट लैग से बच गया, तो मैं फिर आई ट्राई कि मैं एक दो क्लासेस वहाँ से ले लूँ आपकी ऑनलाइन. ठीक है, वो मैं फिर भी व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दूँगा. फ़िलहाल तो खैर 3 छुट्टियाँ तो हैं ही हैं, 12 से लेकर 14 तक तो ऑफ है ही. ठीक है, तो 15th ऑनवर्ड फिर हम डिसाइड कर लेंगे. हो सकता है वीकेंड पे मैं आपकी दो क्लासेस कर लूँ, मंडे वाली क्लास ले लूँ. 20th वाली क्लास नहीं हो पाएगी, आई विल बी ट्रैवलिंग. 21st को फिर हम इंशाल्लाह अपनी क्लास करेंगे. ठीक है, तो जो भी स्केड्यूल होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा. वैसे हमारा कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही पेस पे जा रहा है. तो इन केस अगर 2-3 क्लासेज एक्स्ट्रा स्किप हो भी जाती हैं, डजेंट मेक इट, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस तरह की टर्बुलेंसेज भी आ जाती हैं. सो यू हैव टू बी, यू नो, कॉन्टीजेंसी प्लानिंग साथ साथ होनी चाहिए, आपकी भी होनी चाहिए. तो ये हमारा मेन एरिया है. अब आगे फर्दर डिस्कशन का, हम इंशाल्लाह सैटरडे को, हाँ फ्राइडे को हम इंशाल्लाह 4 चैप्टर स्टार्ट कर देंगे. उसके 2 टॉपिक्स हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे पहले ही, फिर हम उसे रिज्यूम करेंगे. व्हेन आई विल बी बैक, जब मैं वापस आ जाऊँगा तो हम उसको फिर रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट द 4 चैप्टर, वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द 4 चैप्टर, बट उसे हम कम्प्लीट फिर इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद ही करेंगे. तो अच्छा, अभी आप लोगों का फीडबैक ड्यू है. अभी मैम रूज आपसे बात करेंगी विद इन 5 मिनट्स, तो यू कैन जस्ट स्टे ऑनलाइन. मैं भी इधर ही हूँ. अभी क्लास हमने कॉल ऑफ कर दी है, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक यू कैन डेफिनेटली आस्क. आप क्वेश्चन देंगे उसे ज़रूर करें. जब तक वो मिस रूज आ जाएंगी अपने ऑफिस से, तो डेफिनेटली फिर वो एक क्विक फीडबैक आपसे लेंगी. ठीक है, शील टेक अ क्विक फीडबैक. इन द मीन टाइम अगर कोई और क्वेरी या कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ लें. If you have anything to ask, you may ask. Sure, that's great.
बस मेहनत करें साथ साथ, टाइम इज एक्चुअली रनिंग आउट, टाइम बहुत तेजी से दौड़ रहा है. इट्स बीन लाइक वन मंथ एंड इस चैप्टर का टेस्ट जो है डे मैं अनाउंस कर दूंगा इंशाल्लाह कल परसों, कल अनाउंस कर दूंगा. कंटेंट मैंने आपको बता दिया, इस चैप्टर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं. पहला हिस्सा इसका जो है वो आपका पहले तीन पार्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, देन स्टेक होल्डर्स एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. और दूसरा इसमें जो आपका पार्ट है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड देन मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, सो ये दो पार्ट. Okay, anything else you would like to ask? I recommend that you all should stay connected because it's important to discuss with Mr. Aruj whatever concerns you might be having, not necessarily about this class but for other subjects as well. हाँ, पाकिस्तानी businesses की इसकी पाकिस्तान के अंदर ना ये कुछ एक तो बिजनेस रिकॉर्डर जो न्यूज़पेपर है, स्टार्ट रीडिंग दैट बिजनेस रिकॉर्डर, एक न्यूज़पेपर आता है दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स गोइंग इन पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज एंड पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में क्या क्या हो रहा है. इसके अलावा फिर कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैगजीन्स आते हैं, बिजनेस रिकॉर्डर, एग्जैक्टली द बिजनेस रिकॉर्डर. ठीक है, इट्स अ डेली न्यूज़पेपर, यू कैन स्टार्ट रीडिंग इट, इट्स अ गुड वन. और इसके अलावा फिर कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैगजीन्स आते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल के कुछ मैगजीन्स आते हैं, कुछ वो आप ऑनलाइन सर्च करें, आपको एप्टमा का मैगजीन्स मिल जाएंगे. इसी तरह लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स आती हैं, LCCI की वेबसाइट्स को विज़िट करें, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसी तरह इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी जो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वेबसाइट्स हैं जस्ट विज़िट देम एंड यू विल गेट an important insight from there as well. आपको वहाँ से भी अच्छी insights कुछ मिलेंगी. ठीक, so this is how it works. जी, it is LCCI stands for Lahore Chamber of Commerce and Industry. इसी तरह FCCI है, ये फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है. ठीक है, इसी तरह ICAP है, ये इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है. तो यू कैन हैव वेबसाइट्स ऑफ डिफरेंट चैम्बर्स.
डॉन में भी आती है, लेकिन अगेन वो थोड़ा सा जेनेरिक न्यूज़पेपर है, उसमें जो न्यूज़ है वो थोड़ी जेनेरिक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हारून, अनीसा, सना, मिनाहिल, अली हसन, एहसान, अब्दुल रहमान, अब्दुल माजिद खान, हारून, जैसे कि आप लोगों में से मोस्टली स्टूडेंट्स से तो मेरी अब काफ़ी दफ़ा मुलाकात हो गई हुई है, एंड दे नो कि आज मेरा यहाँ आने का जो पर्पज़ है दैट इज़ टू ऑब्टेन फीडबैक फ्रॉम यू गाइज दैट हाउ आर योर क्लासेस गोइंग ऑन, आप लोगों की क्लासेस कैसी चल रही हैं, और इफ tests are going on, all right. इसमें मैं देख रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिनसे आज सुबह से मेरी मुलाकात नहीं हुई, जिसमें आई कैन सी नोवेरा, आई कैन सी एहसान रसूल, आई कैन सी अली हसन, आई कैन सी मे बी सैयद असद अब्बास, दे आर गोइंग गुड। कितने टेस्ट हो गए हुए BMBS के, हाउ मैनी टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड सो फार, 5। तो आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सारे टेस्ट दिए हैं, आप लोगों से
मिनाहल ने 1000, लारेब ने सारे दिए हैं, अनीसा ने सारे दिए हैं, सना ने सारे दिए हैं. दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड. सैयद अरशद अब्बास, जहाँ आपने बेटा बाकी सारे दिए हैं, जो एक मिस हुआ है वो भी दे दो तो अच्छी बात है. ठीक है, अगर आपको कोई इशू आए उसका लेक्चर ओपन करवाने में और तो वो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एंड कॉल मी. मैं अपना नंबर भी अभी शेयर कर देती हूँ. वैसे मैं सारे व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हूँ. नवेरा, आप थोड़ा बताना चाहेंगी कि हाउ आर योर क्लासेस गोइंग ऑन, क्योंकि बाकी सबसे तो मेरी काफ़ी सुबह से बातचीत चल रही है लेकिन आपसे नहीं चल रही है. नवेरा, वॉट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इशू दैट यू कैन नॉट गिव टेस्ट एक्चुअली? In the meantime that I am talking to you guys, I am going to share a link with you guys, a feedback link. आप लोग सुबह से उसी link को use करके feedback दे रहे हैं, तो I would request you guys to please click the link and give a quick feedback to me. I am sorry, मैं काफ़ी दफ़ा आ गई हूँ, लेकिन it is actually very important to obtain feedback from you guys and to understand if everything is going fine. Novera, where do you live? Novera, मैं अपना नंबर शेयर करती हूँ. Can you give me a little detail so that if I can be of any help to you, I may. जो मैंने अंडरस्टैंड किया है वो ये अंडरस्टैंड किया है कि लाइट नहीं आ रही, जिसकी वजह से शायद आप लैपटॉप ऑन नहीं कर पा रही हैं, कंप्यूटर अपना नहीं ऑन कर पा रही हैं और टेस्ट टाइप नहीं कर पा रही हैं और फिर उसको अपलोड नहीं कर पा रही हैं. लेकिन वगैरह उसके बगैर भी देर इज अ वे, अगर तो थोड़ी बहुत भी लाइट आ जाती है तो देर इज अ वे कि आप उसको पेपर पर राइट डाउन करें, आप उसका स्क्रीन शॉट लें, तस्वीर लें अपने मोबाइल से और उसको मोबाइल के थ्रू अपलोड कर दें. जी अनीसा, थैंक यू, थैंक यू. यू मे, आपसे काफ़ी डिटेल में मेरी पहले बात हो चुकी भी है. ये मेरा नंबर है, मैंने अपना नंबर भी शेयर कर दिया. इफ एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज हु वुड लाइक टू टॉक टू मी और शेयर विद मी, यू कैन ऑलवेज SMS और व्हाट्सएप मी. कॉल पे मैं उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, लेकिन आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप एंड SMS. यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप एंड SMS विद योर डिटेल. आई कैन ऑलवेज बी ऑफ हेल्प टू यू. आप लोगों की टैक्स की क्लासेस नहीं हो रही तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों में से जो स्टूडेंट टैक्स की क्लास भी ले रहा है वो थोड़ा सा फीडबैक टैक्स का भी मेरे साथ शेयर कर ले और उसके लिए भी एक लिंक को दोबारा क्लिक करके फीडबैक दे दे, सो दैट आई नो. इफ आपको पता है, आप लोगों में से अगर कोई टेक्स्ट पढ़ा है तो सर ने अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए कुछ दिन के लिए ऑफ लिया है, ही विल बी बैक आफ्टर रिजल्ट, तो मुझे टेक्स्ट का भी थोड़ा सा फीडबैक दे दें. थैंक यू सना. आप लोगों में से कौन टेक्स्ट पढ़ा, ताकि वो थोड़ा सा टेक्स्ट का फीडबैक भी शेयर कर ले मेरे साथ, दैट हाउ टेक्स्ट इज गोइंग ऑन. और अगर वो टेक्स्ट का फीडबैक भी टेक्स्ट के लिए भी फिल कर दे तो आई वुड बी ग्रेटफुल, क्योंकि टेक्स्ट की क्लास में तो मैं नहीं आ सकूंगी क्योंकि टेक्स्ट हो नहीं रही आजकल. एनी वन ऑफ यू स्टडिंग टैक्स? नोबडी इज स्टडिंग टैक्स फ्रॉम यू गाइज? अब्दुल माजिद, असद, किस किस्म के प्रैक्टिस इश्यूज आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? What kind of, Abdul Majid, are you giving the feedback of Bmbs and if you are studying tax as well? Thank you Abdul Majid. Any feedback you would like to share? Hamza Javed, Khalid Javed, Novera, Lareb, Liaqat Ali Chaudhary,
there are some students I haven't talked to earlier. I would like to know their feedback, that how are their classes going on. Asad Abbas, I would like to know what kind of practice issues so that I can deal with them when sir comes. There is little quietness from you guys. Are you people filling the feedback or there is nothing to discuss with me? Ji Abdul Rahman, Ehsan Rasool, Hamza Javed, Haroon, Larif, Minahil, Liaqat Ali, Nuvera. Excuse me, ma'am. Ajit baat kar raha hu. Waiting for your kind responses. Ma'am, awaaz aa rahi hai meri? Excuse me, ma'am. Hello. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू सना. लियाकत अली, हाउ आर योर क्लासेस गोइंग ऑन? एहसान, एनी फीडबैक टू शेयर विद मी? आई वुड लाइक यू टू ऐड सम रिटन कमेंट्स इन योर फीडबैक फॉर्म एज वेल प्लीज. दैट विल हेल्प मी improve further. Feedback is not always something negative. It can be good as well. It can be constructive as well. It can be some suggestions as well to improve our online medium further. सना, इट्स ओके. आपने सिर्फ मुझे एक SMS करना है. आपने सिर्फ मुझे एक SMS करना है या WhatsApp करना है एंड कंसिडर इट डन. व्हाट यू नीड टू डू ओनली इज लियाकत अली, इफ यू आर टेकिंग द क्लास राइट नाउ, आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर. आई नो विद जॉब it is very difficult to take online classes, but you also understand that taking online classes is more helpful than taking recorded classes only. Because online class mein you can ask questions from sir. If you don't understand a concept, you can participate. You feel yourself that you are involved in the class. Otherwise, taking 1 hour recorded lecture is quite difficult. So whatever classes you can manage, whatever tests you can manage, please appear in the test as well and try to take online classes as much as possible. It will help you pass your exam. Larev, text test is not fixed. Iska thoda sa explain kar de. Iska kya matlab hai? Aapko pehle se nahi pata hota ki kal test hai. लियाकत अली, वो मैंने खुद करवाई है ईमेल. वो सारे बच्चों को जिन्होंने कोई क्लासेस नहीं ली इसीलिए मैंने करवाई है, जिनकी अटेंडेंस बहुत कम थी, जिन्होंने टेस्ट कोई नहीं दिया. आप ठीक है, जॉब की वजह से अगर क्लासेस ऑनलाइन नहीं ले सकते तो आप एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं ना कि आप लोग उसको टेस्ट तो देना. बेटा, अगर आप टेस्ट भी नहीं दोगे तो मेरे बच्चे आप कैसे एग्जाम को पास करोगे? आई नो एट द एंड इतना डिफिकल्ट हो जाता है कोप अप करना, टॉपिक्स को रिवाइज करना. ठीक है लियाकत, मैं आपकी इसको कंसिडर करूंगी. आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि आपको वो जो परफॉर्मर भेजा हुआ है ना, उस पर आप रिस्पॉन्स दे देना, सो दैट एज पर द रिस्पॉन्स आई विल एग्जेम्प्ट यू फ्रॉम दिस.
असद अब्बास, आपने जो मुझे फीडबैक दिया प्रैक्टिस का, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सेम कमेंट को फीडबैक के फॉर्म में टेक्स्ट के लिए फिल कर दो, ताकि मेरे पास वो रिटर्न आ जाए. मैं इसको डेफिनेटली सर के साथ डिस्कस करूंगी. और मैं आपको छोटी सी बस तसल्ली दे दूं कि ये जो टैक्स रमीज आसिफ साहब है, ही इज फेमस फॉर हिज प्रैक्टिस. एट द एंड इतनी को प्रैक्टिस कराएंगे, आपको इतनी को प्रैक्टिस कराएंगे कि आप तंग आ जाएंगे. इतनी सर प्रैक्टिस कराएंगे. सर की सबसे स्पेशलिटी ये है कि वो प्रैक्टिस बहुत करा रहे हैं. तो इंशाल्लाह डोंट वरी, लेट हिम कम फ्रॉम हिज मैरिज सेरेमनी हॉलीडेज, तो उसके बाद मैं भी उनसे बात कर लूंगी. एंड ही हिमसेल्फ इज वेरी रिस्पॉन्सिबल एज फार एज प्रैक्टिस एंड नेक्स्ट आर कंसर्न. तो वो मैं उनको फोकस थोड़ा और करवा दूंगी प्रैक्टिस के ऊपर. ठीक है. I just want to know, असद के जो वो पढ़ा रहे हो एटलीस्ट समझ आ रहा है आपको? चलें लारे, मैं सर के साथ इसको डिस्कस कर लेती हूँ. बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज राइट दिस कॉमेंट डाउन इन योर फीडबैक एज वेल, ताकि मेरे पास ये रिटर्न में भी ये चीज आ जाए. और मैं डेफिनेटली आई टॉक टू द सर एंड सी व्हाट आई कैन डू इन दिस रिगार्ड. और एक दिन में एक टेस्ट आई थिंक काफी होता है. अगर दो टेस्ट होते हैं तो मैं उसको भी जरा लेट मी लुक इनटू इट. और अगर कोई डे फिक्स नहीं सर करते, तो एटलीस्ट मैं सर को ये जरूर कहूंगी कि दो तीन दिन पहले इन एडवांस आपको बताया करें कि टेस्ट आ रहा है, सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट. ये मैं जरूर उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगी. जी हारून, अगर इफ यू आर डन विद द फीडबैक यू मे लीव. हारून, आर यू डन विद द फीडबैक? चलें ठीक है. हूएवर हैज डन विद द फीडबैक कैन लीव द क्लास. इफ यू पीपल कैन लेट मी नो इफ ऑल ऑफ यू हैव डन द फीडबैक, आई कैन ऑल्सो लीव योर क्लास. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड वेरी बेस्ट wishes for your result on 13th of November. I hope every one of you, every single student of you passed your exam. From my side, beta, it is either Abrar or Zishan. I'm not sure, but either it is Abrar or Zishan. मैं check भी कर लेती हूँ. आप किसी एक का भी नाम लिख दो, मैं उसको accordingly accommodate कर दूंगी जो उसका जो भी होगा. हाँ सर, Zishan है, Zishan है. ठीक है. वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड फॉर योर एग्जाम. जी जी नवेरा, आई एम शेयरिंग माई नंबर अगेन. प्लीज ये ले मेरा नंबर, ये दिस इज माय नंबर. यू कैन ऑलवेज एसएमएस और व्हाट्सएप मी. चले जी, हम आई होप सबने फीडबैक दे दिया होगा. मैं इसको वाइंड अप करती हूँ. थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग सो पेशेंट विद मी सिंस मॉर्निंग. आई हैव बीन टेकिंग फीडबैक. सम ऑफ यू हैव गिवन मी फीडबैक फॉर फोर्थ एंड फिफ्थ टाइम. And I'm so happy to see you all in all classes live. Thank you so much. Thank you so much. If there is anything you would like to share with me, you can write it down in the feedback form as well. Thank you so much. Thank you. Thank you. Well. Allah Hafiz, take care. Allah Hafiz to everyone.